विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी समर्थित नगर परिषद प्रधान व उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। 16 पार्षदों ने प्रधान छवि बंसल व उप प्रधान अजमेर शोकन के खिलाफ की वोटिंग। पूरे हरियाणा में विधानसभा चुनावों की चर्चा। चुनावों से पहले बीजेपी को निर्माण में एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी समर्थित नगर परिषद प्रधान छवि बंसल व उप प्रधान अजमेर शोकन के खिलाफ सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। नगर परिषद कार्यालय में 16 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग कर प्रधान और प्रधान को कुर्सी से हटाने का काम किया है। डेढ़ साल से जो लोग नगर परिषद पे राज कर रहे थे वो गलत तरीके से सारी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। पूरे शहर को उन्होंने नर्क बना दिया है। कहीं सफाई व्यवस्था नहीं है। लाइटों में करोड़ों रुपए खा गए हैं। सारी सड़कें जो सीसी की थी वो काली करके कम से कम 40 करोड़ रुपए का गबन किया है। नरवाना से बाहर का एरिया जो खेतों में है उनमें सड़कें बना के अब एडवांस अब बाद में बनाई जा रही है जिनकी पेमेंट पहले हो चुकी है। ये एक कुशासन का अंत हुआ है और सच्चाई की जीत हुई है। पार्षद यहाँ मौजूद थे, 16 के 16 ने उनके खिलाफ वोटिंग की। जो विश्वास हमारे जीता है उसके लिए पूरा शहर पूरे पार्षद बधाई के पात्र हैं। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और आज दिनांक 30/9/2019 को प्रधान छवि बंसल व उप प्रधान अजमेर सिंह शोकन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, क्योंकि दिनांक 19/7/2019 को हमने 16 पार्षदों ने डीसी साहब को एक अविश्वास की एप्लीकेशन दी थी, उसके बारे में आज बैठक की गई थी। इससे पहले भी एक बैठक बुलाई गई थी लेकिन राजनीतिक के कारण उस तीन तारीख की जो मीटिंग थी उसको स्थगित कर दिया गया। लेकिन बहुत ही उससे हम एकदम साहब से प्रभावित हैं कि उन्होंने 30 लोगों की मीटिंग बुला के आज जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको पारित कर दिया गया। लेकिन सरकार ने बहुत तानाशाही बरती। आज भी प्रस्ताव को कहना पास होने नहीं दे रहे थे, बहुत प्रेशर डाले, लेकिन पार्षदों की एकता के कारण उनको इसके आगे झुकना पड़ा और सच्चाई सामने आई। कितने पार्षद ने 23 पार्षद में से 16 पार्षद मीटिंग में आए थे और 16 के 16 पार्षद ने प्रधान व उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया। प्रधान व उप प्रधान के खिलाफ क्या मतलब अविश्वास प्रस्ताव, क्या आरोप लगे हुए थे? आरोप सारा शहर को पता है कि एक साल पहले जब भाई पप्पू जी को हटाया गया था, 1.25 साल पहले, उस टाइम भी गलत तरीके से हटाया गया था। उस टाइम तो कहते हैं कि वोटिंग नहीं होती, हाथ खड़े करके वोटिंग कराओ, उस टाइम हाथ खड़े किए। आज कहते हैं हाथ खड़े नहीं करवाने, आज बैलेट पेपर से वोटिंग होगी, आज बैलेट पेपर से करवाई। उस टाइम भी बहुत गलत हुआ था। सारे शहर को पता है कि सारी सड़कें कैसे पैसे बहाया जा रहा है, जो जहाँ सही पैसा लगना चाहिए था वहाँ पे सही पैसा नहीं लग रहा।